थमती है ये लड़ाई और फिर एक दिन उठ जाती है, फिर थोड़ा थमती है और फिर उठ जाती है। यही लड़ाई राजस्थान की राजनीति में लगातार देखने को मिल रही है, पर ये लड़ाई है कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। किस लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, इसका इशारा आप सभी लोग जानते हैं। ये गहलोत बनाम पायलट राजस्थान की राजनीति के इस टेन्योर के पहले दिन से ही चलता आ रहा है और यह है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और लगभग साल पूरे होने को होने वाले हैं, अगले विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, सिर्फ 22 महीने का समय बचा है, लेकिन ये जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। लगातार कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। हाल ही में जब कैबिनेट फेरबदल हुआ और सचिन पायलट के खेमे के लोगों को अच्छी जगह मिली, उसके बाद लगा कि अब शायद सब कुछ शांत हो जाए। उसके बाद दिल्ली की रैली जयपुर में हुई और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ, प्रशिक्षण शिविर हुआ, इसके बाद लगा कि अब शायद सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन अब फिर जो केंद्रीय कांग्रेस है, उसके एक बड़े स्पोक्स पर्सन, एक बड़े चेहरे के रूप में नेशनल कांग्रेस को लगातार रिप्रेजेंट करते हुए जो आचार्य प्रमोद हैं, उन्होंने फिर से इस आग को हवा देते हुए जो उनके जन्मदिन पर सचिन पायलट ने विश की थी, उसके आगे लिख दिया कि बहुत बहुत शुक्रिया भावी मुख्यमंत्री जी। और ये पहली बार उन्होंने नहीं लिखा, ये दूसरी बार लिखा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या समझा जाए इस किस्म के ट्वीट को, इसके क्या मायने हैं, पर्दे के पीछे की क्या तस्वीर है, क्यों बार बार आचार्य प्रमोद ये लिखते हैं कि भावी मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया, क्यों सचिन पायलट को संबोधित करते हुए हमेशा भावी मुख्यमंत्री लिखते हैं। वो बार बार इशारा कर रहे हैं इस चीज़ पर कि सचिन पायलट के नाम पर चर्चा चल रही है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और जैसा कि देखा जाए कि सचिन पायलट बहुत लोकप्रिय हैं, युवा नेता हैं, युवाओं के बेहद करीब माने जाते हैं और तख्ता पलट करने की ताकत उनमें है कहीं ना कहीं। तो ये भावी मुख्यमंत्री उनके शब्द नाम के आगे लिखना बहुत बड़ा मायने रखता है। देखने वाली बात एक और है कि कौन है ये आचार्य प्रमोद। इन्हें कभी प्रियंका गांधी का बहुत करीबी माना जाता है, और अगर थोड़ा हम और एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि कांग्रेस जब से अपनी छवि थोड़ा सा हिंदूवादी करना शुरू हुई थी, जब मंदिरों में जाना शुरू हुई और ये सब जब करना शुरू हुई, तब ही से आचार्य प्रमोद जो है कांग्रेस में एक्टिव हुए या यूं कहें आए। तो कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा रोल है कांग्रेस का हिंदू छवि बनाने में, और ऐसे में प्रियंका गांधी के करीब होते हुए हिंदू छवि बनाने में सबसे अग्रणी होते हुए, कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ एक हिंदूवादी चेहरा बीजेपी का दिखते हैं, ये एक हिंदूवादी चेहरा कांग्रेस का दिखते हैं, तो एक बड़ा कद होते हुए जब वो ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका कोई बैकग्राउंड तो होगा, कहीं से तो उन्हें ये सुनने मिलता होगा। हालांकि ट्विटर पर वो हमेशा लिखते हैं कि ये लोगों की वाणी है, जो लोग कह रहे हैं मैं तो उसको बोल रहा हूँ, लेकिन जो लगता है वो ये है कि लोगों के साथ साथ कहीं ना कहीं आलाकमान का एक खेमा भी ये चाहता है जिस वॉइस को ये रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। देखिए, गहलोत को राजनीति का जादूगर तो कहा जाता है और इसी जादू के कारण उन्होंने अभी तक अपनी कुर्सी बचा रखी है, लेकिन भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में ये जो गेम चेंजर है वो फेल भी हो जाए। और जाहिर सी बात है, इस बात को समझना होगा, देखना होगा, जानना होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद सचिन पायलट बिल्कुल शांत कैसे, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा बड़प्पन क्यों दिखाते रहते हैं। तो इससे भी एक संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं आलाकमान से उन्हें कोई ना कोई ऐसा आश्वासन हिंट मिला तो हुआ। मिला होगा कि आने वाले समय में कुछ होने वाला है, और उस हिंट की बात को और ज्यादा पुख्ता आचार्य प्रमोद जैसे लोग करते हैं जो कि आलाकमान के बेहद करीब हैं, नेशनली रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस को, और खुलेआम ऐसे लिखते हैं कि भावी मुख्यमंत्री को मेरा धन्यवाद। देखिए, वो कहते हैं ना कि लाख छुपाए पर छुपा नहीं जाता है, चाहे से वो सच हो या झूठ हो, वो एक ना एक दिन सामने आके रहता ही है। और ऐसा ही आश्वासन, उन्हें जो ठोस आश्वासन मिला हुआ है उसी की कदर पर सचिन पायलट बेहद शांत रहते हैं, दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि फ्यूचर में
उनके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस 100% हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आचार्य प्रमोद दोबारा खुले मंच से ये बात लिख रहे हैं तो इसके पीछे कुछ तो है, और ये सिर्फ जनता का नहीं है, कहीं कुछ आलाकमान से तो है। अब ये कुछ में कितना कुछ छुपा है ये आने वाले वक्त के गर्भ में रखा है। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता, और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3,00,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50,00,000 लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है, और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है, तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।